तो कैसे हो मेरे भाई और बहनों, आई एम बैक। राजा बहुत खुश है। यार सॉरी, ये ना शोर हो रहा, थोड़ा तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तू कर ले पहले, आजा तू कर ले। अभी कुछ दिनों पहले पड़ा पड़ा YouTube चला रहा था और मैंने देखा कि टोनी भैया का नया गाना नंबर लिख ट्रेंड कर रहा है। मतलब सोचो यार, टोनी कक्कड़ के गाने, जो गाने को नाम पे नर्सरी की राइमिंग होती है, वो ट्रेंड कर रहे हो। और हमारे सलमान भाई ने इतने अच्छे अच्छे गानों की ऐसी तैसी करी है, वो गाने ट्रेंड पे नहीं गए। और भाई कसम से, अगर तुम लोगों ने ये गाना नहीं सुना ना, तो एक बार सुनना। ना सुनने के बाद तुम्हारे टोनी भैया से ज्यादा गुस्सा तो मेरे को उनके लिसनर्स पे आता है। क्यों सुनते हैं ऐसे गाने? अब खैर, इनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस गाने के ऊपर टिप्पणी जरूर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं टोनी भैया के अंदाज में। इस गाने के ऊपर टिप्पणी 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 करते हैं। गाने के ऊपर टिप्पणी 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 करते हैं। गाने के ऊपर टिप्पणी 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 चुप, बिल्कुल चुप। अब आप लोग सोच रहे होंगे, टोनी भैया जो हर गाने से पहले आहा आहा करते, ये गाने का हिस्सा होगा ना? तो आप गलत सोच रहे हो। अरे रोहित, ये मैंने अब लिरिक्स के नाम पर लेटरिंग लिखी है, तो इसके ना ऐसे बत्ती बना के मेरे पीछे डाल दो, थोड़ा ना फॉर्म में आ जाऊंगा, समझ रहे ना? ले टोनी भैया के लेटरिंग में सुर और ताल दोनों गांड बनाए, बस राइमिंग बननी चाहिए भैंचो। अगर इसे ही गाने बोलते तो मैं भी बैठे बैठे गाने लिख दूं। नंबर लिख 98971, जब भी मिलाओ तब बंद, खत्ते में पड़ा होता है बहुत सारा गंध, दिल्ली में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड, कुछ भी लिख दो 100%, टोनी का कड़ बहन का। ये 24 घंटे फोन मेरा ऑन, कुछ तो काम तुम्हें भी होगा, ऐसे नहीं आई बंठन। नहीं मतलब लड़की को कुछ काम होगा तभी वो बंठन कह सकते, वैसे बंठन नहीं सकती वो। मतलब कोई दुख तो हो यार गाने का, मतलब यार जो मर्जी लिख दो। और इस निक्की तंबोली को गाने में सिर्फ चलने के लिए लिया गया है, पूरे गाने में कुछ नहीं कहना चलने के अलावा। टक 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 टक, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर। ना यहाँ पे बारिश है और ना बारिश का मौसम, फिर भी ये बंदा छाता लेके बैठ गया। क्यों? क्योंकि राइमिंग बन रही थी वैंचो। ढिंचक पूजा टोनी भैया के गाने सुन के जरूर खुश होती होगी, उसने जो परंपरा निभाई थी उसको चलो कोई तो आगे बढ़ावा दे रहा है। गोवा वाले बीच चलेंगे, धीमे धीमे बुट्टी शेक करेंगे, घर पे लूडो भी खेलेंगे। इस बंदे पे लिरिक्स की इतनी कमी पड़ गई कि इसने सिर्फ राइमिंग लिखी, उसमें भी इसको राइमिंग कम पड़ गई, तो इसने अपने पिछले गाने उठा के इस गाने में डाल दिए। वाह, कुछ नया नहीं है भाई इस गाने में, हमेशा की तरह भाई रंग बिरंगा सेटअप, कलरफुल बैकग्राउंड, चौथी क्लास की राइमिंग और टोनी भैया की लेटरिंग, सॉरी टोनी भैया के लिरिक्स। मैं नहीं चाहता ये पूरा गाना सुना के आपको मैं 8 दिन तक बीमार करूं, इसलिए वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटा दबा देना। टाटा। बन, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है, तब भाई ओ भाई भाई या